आज हम बात करेंगे टॉर्क के बारे में। टॉर्क का कंसेप्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपको फोर्स का कंसेप्ट क्लियर है तो। क्यों? क्योंकि जो रोल फोर्स प्ले करता है इन लीनियर मोशन, वही रोल टॉर्क प्ले करता है इन रोटेशनल मोशन। कहने का मतलब, दोनों का रोल काफ़ी सिमिलर है, टॉर्क का और फोर्स का। डिफरेंस क्या है कि फोर्स रोल प्ले करता है इन लीनियर मोशन और टॉर्क वैसा ही रोल प्ले करता है, सिमिलर रोल प्ले करता है इन रोटेशनल मोशन। तो आइए इन दोनों के कुछ रोल्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि फोर्स का एक रोल है कि किसी बॉडी के मोशन को स्टार्ट करना, फ्रॉम रेस्ट टू मोशन यू नीड अ फोर्स। तो उसी तरह से टॉर्क की जरूरत पड़ती है, टॉर्क इज नीडेड टू स्टार्ट ए रोटेशनल मोशन। किसी ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन को स्टार्ट करने के लिए टॉर्क की जरूरत पड़ती है। फोर्स के एक और रोल की बात करते हैं। फोर्स का एक और रोल होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टॉप करना। अ फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी। उसी तरह से टॉर्क की जरूरत पड़ती है टू स्टॉप ए रोटेटिंग बॉडी। किसी बॉडी में रोटेशन को रोकने के लिए टॉर्क की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्विच ऑफ करते हो फैन को, तो टॉर्क फैन को रोकता है। टॉर्क इज हेल्पिंग इन स्टॉपिंग द रोटेशन ऑफ द फैन। उसी तरह से स्टार्ट फैन को स्टार्ट करने में भी टॉर्क का ही रोल होता है। एक और रोल की बात करते हैं तो फोर्स का एक और रोल होता है किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को कम या ज़्यादा करना, चेंज करना। तो जिस तरह से फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता है, उसी तरह से रोटेशनल मोशन में एंगुलर स्पीड को कम और ज़्यादा करने का जो जॉब है, इट्स दिस रोल इज प्लेड बाय टॉर्क। तो टॉर्क एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करने का रोल प्ले करता है इन द रोटेशनल मोशन। आइए अब हम बात करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि टॉर्क किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर टॉर्क डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा सेटअप ले लेते हैं। अब हमारे पास एक रॉड है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक रॉड है हमारे पास। दिस इज अ रॉड विच इज हिंज्ड एट द अपर एंड। रॉड के अपर एंड को हिंज कर दिया गया है यहाँ पर। इसका मतलब है कि रॉड इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है, लाइक दिस, इन दिस मैनर रॉड कैन रोटेट। यहाँ पर हमने यहाँ पर रॉड को हिंज कर दिया है अपर एंड पे। तो व्हाट विल बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन? एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर क्या होगा? कुछ इस तरह का एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर इस रॉड पे, दिस रॉड इज वर्टिकल हियर, मैं इस रॉड के अलोंग एक फोर्स लगाता हूँ। इस रॉड को पकड़ के नीचे आप खींचिए, क्या ये फोर्स इस रॉड में रॉड को रोटेट कर पाएगा? ये फोर्स जब आप इस रॉड को नीचे पकड़ के खींचेंगे तो क्या ये रोटेट कर पाएगा रॉड? आंसर विल बी नो। देखिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है कि सभी फोर्स रोटेशन नहीं कर सकते। किसी ऑब्जेक्ट में रोटेशन के लिए फोर्स इज़ नॉट द ओनली कंडीशन। आप यहाँ देख रहे हैं कि फोर्स तो लग रहा है बॉडी में, लेकिन इट इज़ नॉट एबल टू रोटेट हियर। यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है रोटेशन? तो इसका रूल है कि आप ये देखिए, इस फोर्स का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में? दिस इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड। तो जब भी कोई फोर्स, अगर आप इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा? एक्सेस ऑफ रोटेशन से पास करेगा।
ठीक है, फोर्स के का डायरेक्शन क्या है, अगर आप इसको पीछे बढ़ाएं तो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन से पास कर जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। तो जब भी कोई फोर्स, दिस इज अ रूल कि जब भी कोई फोर्स एक्सेस ऑफ रोटेशन से पास करेगा तो उसका टॉर्क ज़ीरो होगा, ये रोटेट नहीं कर पाएगा, और रोटेट नहीं कर पाएगा तो टॉर्क ज़ीरो होगा। अ फोर्स, कंक्लूजन इज, अ फोर्स पासिंग थ्रू, जिसका डायरेक्शन है ना, इज पासिंग थ्रू एक्सेस ऑफ रोटेशन हैज जीरो टॉर्क, रोटेशन हैज जीरो टॉर्क। कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, हैज जीरो टॉर्क। देखिए, आप रॉड को, इस रॉड को किसी दूसरे पोजीशन में भी लेके चले जाएं, यहाँ पर भी आप देखें, इस पोजीशन में भी अगर आप रॉड के अलोंग ही फोर्स लगाएं, तो देखेंगे कि ये फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इसका कोई भी रोल नहीं होगा रोटेशन, इस रॉड के रोटेशन में। आगे बढ़ते हैं, तो लेट अस चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो देख रहे हैं आप कि रोटेशन के लिए फोर्स का डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लेट अस चेंज द नाउ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दूसरे केस में हम क्या करते हैं कि फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करते हैं, एग्जांपल हमारा वही रहेगा, एक रॉड, वर्टिकल रॉड, इस पे इसके लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं, लेट अस कॉल दिस F perpendicular. This sign is for perpendicular. Let us call it F perpendicular. क्या इस केस में ये रॉड रोटेट करेगा? हाँ, ये रॉड इस केस में रोटेट करेगा। अगर फोर्स बढ़ा देंगे इस F perpendicular की वैल्यू है ना, इसको आप बढ़ा देंगे तो क्या होगा, रोटेशन ज़्यादा होगा, और F perpendicular की वैल्यू अगर कम कर देंगे, कम मैग्नीट्यूड का फोर्स लेंगे, तो फिर रोटेशन कम होगा। इसका मतलब, रोटेशन कम मतलब टॉर्क कम, कहने का मतलब है कि टॉर्क यहाँ पर इसकी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, एफ परपेंडिकुलर की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। अगर एफ परपेंडिकुलर ज़्यादा होगा तो फिर रोटेशन ज़्यादा, या फिर मतलब टॉर्क ज़्यादा। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि टॉर्क, इसको टाउ लेटर से डिनोट किया जाता है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब ये देखा गया है कि टॉर्क जो है प्रोपोर्शनल है एफ परपेंडिकुलर के। एफ परपेंडिकुलर ज्यादा होगा तो टॉर्क भी ज्यादा होगा। आइए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल हमारा वही है, मान लीजिए कि फोर्स को आप, इस F परपेंडिकुलर को आप अलग अलग लोकेशंस पर लगाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक केस में F परपेंडिकुलर यहाँ लगाया आपने, और एक केस में F परपेंडिकुलर आपने यहाँ लगाया, दोनों ही केस में आपने मैग्नीट्यूड सेम रखा है, तो किस केस में ज़्यादा रोटेशन होगा इन दोनों में से? एक जो है, एक F परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास है, और एक F परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, ये वाला। विच विल प्रोड्यूस मोर रोटेशन और मोर टॉर्क, जो ज़्यादा रोटेशन प्रोड्यूस करेगा वो ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से F परपेंडिकुलर जितना दूर होगा, टॉर्क भी ज़्यादा होगा, वो उतना रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। तो अगर मैं बोल दूँ एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी एफ परपेंडिकुलर का डिस्टेंस क्या है, आर, तो हम लोग यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टॉर्क, जिसको टाउ लेटर से डिनोट करते हैं हम, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू एफ आर। यहाँ पर क्या किया था आपने, फोर्स चेंज किया था लेकिन सेम ही लोकेशन पे,
चेंज किया था, कम या ज़्यादा किया था। यहाँ पर हमने फोर्स के लोकेशन को चेंज कर दिया। तो इन दोनों को आप कंबाइन कर देंगे तो टॉर्क इज डिफाइंड एज इक्वल्स टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। तो ये बन जाएगा हमारा टॉर्क का फॉर्मूला। एक और केस देखते हैं कि अगर मान लीजिए फोर्स परपेंडिकुलर ना हो, कुछ इस तरह से हो, सेम रॉड रहेगा हमारा और मान लीजिए कि इस पे फोर्स कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है रॉड के, तो इस केस में टॉर्क की वैल्यू क्या लिखेंगे? अगर ये आर डिस्टेंस पे लग रहा है तो यहाँ से लेट्स से कि दिस डिस्टेंस इज आर, यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर आप फोर्स को कंपोनेंट में कर लीजिए, एक कंपोनेंट अलोंग द रॉड कर लीजिए और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द रॉड कर लीजिए। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द रॉड विल बी एफ साइन थीटा और अलोंग द रॉड कंपोनेंट विल बी एफ कॉस थीटा। और आपने अभी देखा है कि जो कंपोनेंट, जो फोर्स अलोंग द रॉड होता है, जो फोर्स की अलोंग द रॉड होता है उसका कोई भी टॉर्क नहीं होता है, तो एफ कॉस थीटा विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क और एफ साइन थीटा का जो टॉर्क होगा डेट विल बी टॉर्क विल बी आर इंटू एफ साइन थीटा। आइए अब हम एक फोर्स के टॉर्क को एक पॉइंट के अबाउट डिफाइन करते हैं। लेट अस डिफाइन द टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट। मान लीजिए कि एक पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट और इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है एक पार्टिकल पे इस तरह से कुछ, लेट्स कॉल इट वेक्टर एफ। और हमें इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, लेट अस कॉल इट ओरिजिन एंड डिनोट इट बाय ओ। तो इस ओ के अबाउट हमें इस फोर्स का टॉर्क निकालना है। कैसे करेंगे? तो इस ओ से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कीजिए आप इस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है। लेट्स कॉल दिस पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर। मान लीजिए कि वेक्टर आर और वेक्टर एफ के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। नाउ इस फोर्स का जो टॉर्क होगा अबाउट दिस पॉइंट ओ, दिस विल बी डिफाइंड एज, दिस इज डिफाइंड एज वेक्टर टॉर्क इक्वल्स टू टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। इस तरह से हम टॉर्क को डिफाइन करते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट। इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, टॉर्क के मैग्नीट्यूड की, तो दिस विल बी क्रॉस प्रोडक्ट सिंपली पोजिशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर, फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ इंटू साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ। इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। पहला केस, व्हेन थीटा इज 0 degree और 180 degree। थीटा 0 degree कहने का मतलब है कि वेक्टर आर और वेक्टर एफ दोनों अलोंग द सेम ही लाइन हो। फॉर एग्जाम्पल दे आर पैरेलल। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, लेट्स कॉल इट ओ। इफ दिस इज वेक्टर आर फॉर पॉइंट दिस पॉइंट और इस पॉइंट पर इसी डायरेक्शन में वेक्टर आर के डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है, देन वी से दैट दीज टू आर पैरेलल एंड थीटा इज जीरो एंड दैट इज व्हाई टॉर्क विल बी आर एफ साइन जीरो एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो दिस इज केस वन। लेट्स टॉक अबाउट अनदर केस। दिस केस वन,
another important case when theta is 90 degree. Theta 90 degree कहने का मतलब है कि position vector के perpendicular है force. Force is perpendicular to the position vector. Let's draw it. Let's call it O origin and let's call it position vector. इस point पर यहाँ पर एक force लग रहा है which is perpendicular to the position vector. This is vector F. This is vector R. दोनों के बीच में एंगल कितना है तो 90 डिग्री. दिस एंगल इज 90 डिग्री. तो इस केस में जो टॉर्क होगा दिस विल बी टॉर्क विल बी सिंपली आर एफ साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू आर एफ. ये फोर्स मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा अबाउट द पॉइंट ओ. इस पॉइंट के अबाउट मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस में आपको फोर्स दिया रहेगा और किसी पॉइंट के अबाउट आपको उसका टॉर्क निकालना है, तो मैग्नीट्यूड जो आप निकालेंगे आर एफ साइन थीटा वो किस तरह से लिखेंगे. तो जैसे कि आर एफ साइन थीटा को आप दो तरह से देख सकते हैं. टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है आर एफ साइन थीटा, एक तो आप देख लीजिए इसको इस तरह से कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ साइन थीटा, इस तरह से आप देख सकते हैं. तो इसको ज्योमेट्रिकली कैसे देखेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि यही केस लेते हैं कि दिस इज ओरिजिन, दिस इज वेक्टर आर और इस पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है कुछ इस तरह से, दिस वेक्टर एफ. दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा, वेक्टर एफ और वेक्टर आर के बीच में. तो आप देखिए यहां पर टॉर्क इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड आर इंटू एफ साइन थीटा क्या होगा यहां पर, तो एफ साइन थीटा विल बी द कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर. दिस विल बी एफ साइन थीटा एंड दिस विल बी एफ कॉस थीटा. दिस इज कंपोनेंट अलोंग वेक्टर आर, दिस विल बी एफ कॉस थीटा. एफ कॉस थीटा का कोई टॉर्क नहीं होता है. तो आप इस तरह से करेंगे कि फोर्स का आप कंपोनेंट कर लीजिए परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर और आप सिंपली लिख दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर. कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर इज एफ साइन थीटा. देखिए इस मैग्नीट्यूड को एक और तरीके से आप लिख सकते हैं कि आप टॉर्क को कुछ इस तरह से बोले कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू आर साइन थीटा. तो देखते हैं ज्योमेट्रिकली कि आर साइन थीटा क्या होता है. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब अगेन ये ओरिजिन है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे फोर्स लग रहा है कुछ इस तरह से वेक्टर एफ, दिस इज वेक्टर आर और ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज थीटा. देखिए आर साइन थीटा क्या है, यहाँ पर आर साइन थीटा को देखते हैं, इस फोर्स को के लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए. ये फोर्स के लाइन को आप एक्सटेंड कर देंगे तो इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. दिस लाइन इज दिस डॉटेड लाइन जिसमें कि आपने फोर्स को एक्सटेंड किया है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. तो इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए ओरिजिन से. ये जो परपेंडिकुलर है इसका लेंथ कितना होगा ये बताइए. देखिए ये वाला इसका लेंथ पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है आर, ये एंगल है थीटा, दिस विल बी आर साइन थीटा. तो आप ज्योमेट्रिकली इस तरह से निकाल सकते हैं कि आप टोटल फोर्स लिख दीजिए, टॉर्क इक्वल्स टू क्या है, टोटल फोर्स इनटू
आर साइन थीटा. आप परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस विल बी आर साइन थीटा. इस तरह से आप निकाल सकते हैं टॉर्क की वैल्यू को. आइए अब टॉर्क के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं. तो मान लीजिए कि एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक रॉड हिंज है, इस हिंज पॉइंट देयर इज अ रॉड हिंज्ड एट दिस पॉइंट लाइक दिस. मान लीजिए कि ये रॉड जो है वर्टिकल से, वर्टिकल डायरेक्शन से एंगल थीटा बना रहा है, दिस एंगल इज थीटा. आपको दिया गया है कि इस रॉड का जो मास है वो है m और इसका लेंथ है l. आपको निकालना है वेट ऑफ वेट का टॉर्क अबाउट दिस हिंज पॉइंट, लेट्स कॉल इट o. इस o पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है टॉर्क, टॉर्क अबाउट पॉइंट o किसका, तो वेट ऑफ, वेट ऑफ द रॉड, इस रॉड के वेट का टॉर्क निकालना है, टॉर्क ऑफ वेट ऑफ mg है ना, वेट ऑफ रॉड ये निकालना है आपको. तो देखिए टॉर्क के वेट को आप एज्यूम कर सकते हैं एट द लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड. यहां पर आप एज्यूम कर लीजिए कि दिस इज mg. इस फोर्स का, फोर्स जो लग रहा है वो L बाई टू लग रहा है, इस हिंज पॉइंट से L बाई टू डिस्टेंस पर लग रहा है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर. ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है, तो इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर विल बी L बाई टू एट L बाई टू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O, है ना, जिस पॉइंट से आपको टॉर्क निकालना है. तो मेथड क्या है कि फोर्स का कंपोनेंट कर लीजिए, एक अलोंग द पोजीशन वेक्टर और दूसरा परपेंडिकुलर द टू द पोजीशन वेक्टर. अलोंग द पोजीशन वेक्टर जो फोर्स का कंपोनेंट होगा mg का, दिस विल बी, देखिए ये एंगल भी थीटा होगा आपको, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो दिस कंपोनेंट विल बी mg cos थीटा. एंड पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर जो mg का कंपोनेंट होगा, दिस विल बी mg साइन थीटा. आपको मैंने बताया था कि टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, दैट इज r का मैग्नीट्यूड कितना होगा, l बाय टू इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स उसका मैग्नीट्यूड mg साइन थीटा. दिस विल बी योर टॉर्क, दैट विल बी mg L by 2 sin theta. देखिए इसको आप लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के कंसेप्ट से भी बना सकते हैं दूसरे मेथड से. तो देखिए mg जो है वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसको आप एक्सटेंड कर दीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए उस डायरेक्शन में. तो देखिए दूसरा मैटर था कि इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे ये वाला परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर का लेंथ आप निकाल लीजिए. देखिए ये एल बाय टू है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये वाला होगा लेंथ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम ओरिजिन विल बी, दिस विल बी एल बाय टू है ये, तो ये वाला हो जाएगा एल बाय टू साइन थीटा. टॉर्क आप लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू टोटल फोर्स mg इनटू ये लेंथ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इनटू l बाय टू साइन थीटा. दोनों से आपको सेम ही रिजल्ट.